नमस्कार, दाएंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की खास खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अमेरिका ने ISIS के खतरे पर भारत को किया अलर्ट। पिछले साल भारत में आत्मघाती हमले की रची थी साजिश। इमरान सरकार चाहती है अफगानिस्तान में कमजोर सरकार। भारत की कूटनीतिक और व्यापारिक मौजूदगी से पाकिस्तान परेशान। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा शिवसेना में जारी तकरार। आज नई सरकार के गठन को लेकर हो सकती है बातचीत। एक बार फिर प्याज की कीमतों ने आंखों से निकाले आंसू। प्याज के दाम 40% तक चढ़े। 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। अमेरिकी सेना ने खुखार आतंकी संगठन के सरगना अबू बकर अल बगदादी को पिछले महीने मार गिराया। हालांकि बगदादी की मौत के बाद दुनिया से इस आतंकी संगठन का खतरा अभी टला नहीं है। यह संगठन दुनिया भर में अपने पांव फैला चुका है। अमेरिका का कहना है कि दुनिया में इस समय ISIS की 20 शाखाएं मौजूद हैं। चिंता की बात यह है कि इसकी एक शाखा दक्षिण एशिया में भी सक्रिय है। ISIS के खुरासान समूह उर्फ ISIS के ने पिछले साल भारत में आत्मघाती हमले की साजिश रची थी। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने सांसदों को यह जानकारी दी। अफगानिस्तान ईरान में भारत की व्यापारिक और कूटनीतिक मौजूदगी से पाकिस्तान परेशान हो गया है। अमेरिकी सांसदों की हालिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि भारत की घेराबंदी से घबराया पाकिस्तान अब अफगानिस्तान और ईरान में अपने मंसूबे साधने में जुटा है। इसके लिए इमरान सरकार एक तरफ ईरान से नज़दीकी बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर अफगानिस्तान में कमजोर सरकार बनवाने की कोशिशों में भी लगा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान की बढ़ती दोस्ती को लेकर डरा हुआ है और भारत के खिलाफ अपने मंसूबों के लिए पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे में इमरान सरकार अफगानिस्तान में एक कमजोर सरकार चाहती है। महाराष्ट्र में भाजपा अपनी सहयोगी शिवसेना को किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री का पद नहीं देगी। पार्टी शिवसेना को अधिक से अधिक डिप्टी CM और मंत्रिमंडल में 40% हिस्सेदारी देने पर ही सहमत होगी। अगर शिवसेना CM बनाने की शर्त और 50-50 फॉर्मूले पर अड़ी रही तो राज्य में नई सरकार के गठन में देरी होना तय है। दोनों दलों के बीच आज नई सरकार के गठन पर बातचीत हो सकती है। हालांकि ये तय नहीं है कि इस दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह होंगे या कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा। एक बार फिर प्याज की कीमतों ने लोगों की आंखों से आंसू निकाल दिए हैं। पिछले एक हफ्ते में कई शहरों में प्याज के दाम 40% तक चढ़ गए हैं। मंगलवार को अलग अलग शहरों में प्याज 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा था। सरकार का दावा है कि अगले कुछ दिनों में प्याज के दामों में नरमी आ जाएगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आवक में देरी के कारण करीब एक महीने तक प्याज के दाम में स्थिरता नहीं आने वाली। अमेरिकी विदेश विभाग ने कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2018 जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार IM ने भारत के खिलाफ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए नेपाल को अपना सबसे बड़ा अड्डा बना लिया है। इसके साथ ही उसने पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हरकत उल जिहादी इस्लामी से भी हाथ मिला लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि IM का पहला निशाना भारत है, जहां वह आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। इसी के तहत उसने अपना दायरा बढ़ाते हुए भारत के पड़ोसी देश नेपाल को अपना सबसे बड़ा केंद्र बना लिया है। इसके लिए उसे पाकिस्तान समेत मध्य पूर्व के देशों से पैसा मिल रहा है। 30,000 कोर्ट में कार खड़ी करने को लेकर वकीलों और पुलिस में हुई झड़प के मामले में वकीलों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। वकीलों की हड़ताल और प्रदर्शनों के दौरान मारपीट की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बैठकें हुईं। इनमें दिल्ली की सभी बार एसोसिएशनों को तत्काल प्रभाव से हड़ताल समाप्त करने और हिंसा रोकने के निर्देश दिए गए। सोमवार को हुई मारपीट की घटनाओं में शामिल आरोपी वकीलों पर कार्रवाई के लिए उनके नाम भी मांगे गए। दूसरी ओर जिला अदालतों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बुधवार के दिन भी हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है। भारत चाहता है कि रूस S-400 ट्राइम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी जल्द से जल्द करे। भारत ने इसकी पहली किश्त 6,000 करोड़ रुपए अदा कर दिए हैं, इसीलिए वह बिना देरी के इसे अपने खेमे में शामिल करना चाहता है। यह मिसाइल सिस्टम 380 किलोमीटर की रेंज में जेट्स, जासूसी प्लेन, मिसाइल और ड्रोन्स को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। सूत्रों के अनुसार बुधवार को मॉस्को में होने वाले
19वें भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन में मिसाइल की जल्द डिलीवरी को लेकर चर्चा की जाएगी। सरकार ने अब रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सौगात देने के संकेत दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इस क्षेत्र की मुश्किलों का हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने माना कि पूर्व में घोषित राहत पैकेज से रियल एस्टेट क्षेत्र अभी तक वंचित रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का असर 8 प्रमुख क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों पर पड़ता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक कार्यक्रम के दौरान सीतारमण ने कहा कि सरकार की इस क्षेत्र पर पूरी नजर है और हर संभव मदद के लिए आरबीआई के साथ काम किया जा रहा है। मौजूदा नियमों में ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिनसे रियलिटी सेक्टर से जुड़े लोगों को मदद मिले। लंबे समय से किंग्स इलेवन पंजाब के मौजूदा कप्तान आर अश्विन के दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने की खबरें चल रही हैं। लगता है अब जल्द ही इस खबर पर मुहर लगने वाली है। पंजाब के सह मालिक नेस वाडिया ने पहले इन खबरों को केवल अफवाह बताया था, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि दिल्ली कैपिटल्स डील पूरी कर चुकी है। आर अश्विन पिछले 2 सीजन से किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ खास उपलब्धि नहीं मिली है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।